हेलो गाइस, अगर आप इंग्लिश बोलचाल ग्रामर सीखना चाहते हैं, अगर आप मैट्रिक इंटर बीएस की इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, अगर आप टेस्ट जॉब इंटरव्यू कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। माय चैनल नेम इज एंजॉय इंग्लिश विद सर तारिक। थैंक्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज, abstract noun is the name of a quality, action or state. Quality, khasiyat, maslan. अच्छा, इसका मैं आपको समझने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला देता हूं। अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है पांच हिस्से। कौन कौन सी? देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की और महसूस करने की। हमारी बॉडी पर कोई चीज लगती है, हवा वगैरह महसूस करते हैं। फाइव सेंसेस दिए अल्लाह ताला ने, दी हैं। यस सर। शुक्र है। फाइव सेंसेस पर कोई चीज अगर पूरा उतरती है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। फाइव सेंसेस में से किसी एक सेंस पर भी पूरा नहीं उतरती है तो फिर वो एब्सेंस है, एब्स्ट्रैक्ट। यानी वो नाम, या यूं कहें उस चीज का नाम, या यूं कहें उस क्वालिटी का नाम, उस एक्शन का नाम, उस स्टेट का नाम, उस खासियत, क्वालिटी मीन खासियत, एक्शन मीन अमल, उस खासियत, स्टेट मीन हालत, उस हालत का नाम जो ना नजर आए, ना सुन सके, ना चख सके, ना सुन सके, ना महसूस कर सके। अगर मैं कहूं कुर्सी, मानेंगे कुर्सी को तो देख सकते हैं। अगर मैं कहूं हवा, हवा तो महसूस होती है। फाइव सेंसेस में से किसी न किसी सेंस पर पूरा उतर रही है। अगर मैं कहता हूं फैन, देखने की इसमें तो कायनात की हर चीज जो नजर आ सकती है, ठीक हो गया। सुनने में आवाज, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट वो है एक ऐसी खासियत, ऐसी अमल, ऐसी हालत जो ना देख सके, ना चख सके, ना सूंघ सके, ना महसूस कर सके, पांचों सेंसेस में से किसी पर भी पूरा ना उतरती हो। अब कुछ एग्जांपल में हम आते हैं। एंगर, एंगर, एंगर गुस्सा, गुस्सा देख सकते हैं आप, नजर आता है? नो सर। सुन सकते हैं आप, गुस्से को चख सकते हैं, गुस्से को फिजिकली बॉडी इसका टच करके महसूस कर सकते हैं? नहीं। तो फिर ये पांचों में से किसी हिस्स पर पूरा नहीं उतरता। तो ये कोई स्टेट है, कोई हालत है, ये स्टेट है, हालत है गुस्सा। लाफ्टर, लाफ्टर, लाफ्टर कहते हैं हंसी को। अब हंसी एक तो मैं वो से, अब ये वाली जो हंसी है ये तो आपको सुनाई दे रही है। अगर दिल ही दिल में मैं हंस रहा हूं वो तो मैं आपको सुनाई नहीं दूंगा, ना दिखाई दूंगा, ना महसूस होगा। दिल ही दिल में मैं आप पर हंस रहा हूं, दिल ही दिल में मैं आप पर रो रहा हूं, दिल ही दिल में आप पर अफसोस कर रहा हूं, पिटी कर रहा हूं, अफसोस कर रहा हूं आप में, दिल ही दिल में मैं आप पर, मुझे प्यार आ रहा है, लव आ रहा है। यस सर। तो ये वो अमल है, लाफ्टर भी एक अमल है, एक्शन, ये भी एक एक्शन है, अमल है। जैसा कि
एंगर एक हालत थी ना, तो लाफ्टर एक अमल है, ठीक है ना जी। पिटी, पिटी भी एक अमल है, एक्शन है कोई, लेकिन ये वो एक्शन है। लव भी एक अमल है। अब लव जो बुजाहिर तो नहीं होती, दिल में होती है ना, ना देख सके। आपको मुझसे मोहब्बत है, अब मैं बुजाहिर नहीं देख सकता, ना ही महसूस सकता हूं, ना मैं महसूस कर सकता हूं फिजिकली। तो ये जो नाम आएंगे, अब नफरत ये भी स्टेट है, हेट, HATE, हेट, नफरत की हालत, ये एक स्टेट की ये एक एग्जांपल है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। अब ब्यूटी, हुस्न, एक तो हुस्न वो जो जाहिर नजर आता है, एक अगर हम कहें कि करैक्टर की ब्यूटी, किरदार का हुस्न, तो वो वाली जो ब्यूटी होगी वो एक क्वालिटी होगी, वो क्वालिटी होगी, और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ना नजर आती है, ना दिखाई देती है, ना सुनाई देती है, ना जग सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। हमने क्वालिटी की एग्जांपल ली, हमने एक्शन की एग्जांपल ली, हमने स्टेट की एग्जांपल ली, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको क्लियर हो चुका है।